हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, ये ड्रेस बनाना इतना इजी है। मैंने बिना बुकरम बिना अस्तर ये ड्रेस बनाया है, और इतना आसान तरीका मैंने इस पूरे वीडियो में बताया है। यहाँ पे मैंने 3 नंबर के कान्हा जी लिए है। ये ड्रेस हम 1, 2 और 3 को आसानी से पहना सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। गाइज, मैंने और भी बहुत सारे लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के, ज्वेलरी के, कुकिंग के, हैंडवर्क के, टीचिंग के वीडियोस बनाए हैं। आप मेरी चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, या तो चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। तो देखिए गाइज कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने मित्रों में ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिना बुकरम बिना अस्तर ये ड्रेस हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसकी लंबाई है 42 इंचेस, और इसकी चौड़ाई है 4 इंचेस। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसकी हम बनाएंगे पगड़ी। तो चलिए पहले पगड़ी बना लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से ज़्यादा मोड़ेंगे ताकि हमारी कैप थोड़ी कड़क बने और अच्छी फिनिशिंग आए। तो कुछ इस तरह से हमें फोल्ड करके टीच कर लेना है। अब हम लगा देंगे प्रेस टीच। तो ये हमारी पगड़ी बनाने की स्ट्रिप बनके रेडी है। अब हम इस तरह से मोड़ेंगे, अच्छी तरह से सेट करेंगे। एक उंगली में 3 नंबर के कान्हा जी का सिर आ जाता है। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से सेट करके मैंने टिच कर ली है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम टिच कर लेंगे। अब हम दोनों को इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पे टिच कर लेंगे। टिच हमारी हो गई है। अब हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको काट लेंगे। तो ये हमारी प्यारी सी पगड़ी बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे ड्रेस। तो ये मैंने लंबी स्ट्रिप ली है और इसको मैंने सिंगल फोल्ड किया है। एक कॉटन का कपड़ा है तो कपड़ा धागा धागा नहीं होगा। तो इस तरह से हमें बिना बुकरम बिना अस्तर अगर हमारे पास कोई भी कपड़ा हो तो हम घर पर ही आसानी से बाल गोपाल जी का ड्रेस बना सकते हैं। तो तीनों साइड मैंने टिच कर ली है। अब हम इस तरह से 1.5 इंच के अंतर पर प्लेट्स लेंगे, और प्लेट्स हम नज़दीक नज़दीक रखेंगे ताकि हमारी घेरे की फिनिशिंग अच्छी आए। हमें प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स नहीं रखना है, वो भी ध्यान में रखना है, और कमर के हिसाब से हम प्लेट्स ले लेंगे। तो ये हमारी प्लेट्स हो गई है। तो इसकी लंबाई मैंने 5 इंचेस रखी है। अब हम नेफा लगाएंगे। तो मैंने एक स्ट्रिप ली है, तो आपको नाप मैंने दिखा दिया है। इस तरह से फोल्ड करके इनके ऊपर रखना है और टिच कर लेना। बहुत ही इजी तरीका है गाइस, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अब हम इसको पलट लेंगे और बीच में हम डोरी डालेंगे। तो इसकी लंबाई है 11 इंच। तो कुछ इस तरह से रखना है और सिंगल फोल्ड करके यहाँ पे टिच कर लेना है। तो देखिए ये हमारी टिच हो गई। एक्स्ट्रा धागा कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक पार्ट लिया है, इसकी चोली बनाएंगे। तो इसकी लंबाई है 5 इंचेस, चौड़ाई इसकी 2.5 इंचेस है। इस तरह से 2 बार फोल्ड करेंगे, और गले के पास से हम इस तरह से तीसरा हाफ काट लेंगे। इस तरह से हमें इनकी कटिंग करनी है। अब हम सिंगल फोल्ड करके दोनों साइड इस तरह से टिच कर लेंगे। ये हमारी टीच हो गई है। अब गले पे भी हम डोरी रखेंगे। तो पहले हम आधा कर लेंगे और बीच में डोरी डाल देंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे टीच कर लेंगे ताकि हमारी डोरी नीचे ना जाए। तो ये हमारी टीच भी हो गई और चोली भी बन के रेडी है।
तो इस तरह से सेंटर में रख के टिच कर लेंगे। बाहर की तरफ मैंने 1.5 इंच रखा है और यहाँ पे हम टिच कर लेंगे। तो देखिए है ना इजी तरीका। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। राधे राधे।